हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे फूड फॉर हेल्थ। रेडी स्टडी स्टार्ट। ट्रेस ऑन द डॉटेड लाइंस टू कंप्लीट द पिक्चर्स। कलर द फूड आइटम्स दैट आर गुड फॉर योर हेल्थ। ये आप खुद से करेंगे। कॉन्सेप्ट्स टू नो। सोर्सेज ऑफ फूड, मील्स इन अ डे, गुड ईटिंग हैबिट्स। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए, हमें ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। देखिए, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए खाना चाहिए होता है। सोर्सेज ऑफ फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पर्सेस। हमें कहाँ से फूड मिलता है? हमें प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू फूड मिलता है। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और पल्सेस खाते हैं। वी गेट मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें मिल्क, एग और मीट मिलता है। कौन से एनिमल्स? जैसे कि हेन, फिश, गोट, बफेलो, काउ। एक्टिविटी 1। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आप खुद से करेंगे। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। इट मेक्स आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कर्ड, चीज, बटर एंड घी आर मेड फ्रॉम मिल्क। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। देखिए, मिल्क अपने आप में ही एक पूरा खाने की तरह है। ये हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कर्ड, चीज, बटर एंड घी, ये सब मिल्क से बनते हैं। हमें एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क डेली पीना चाहिए। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8-10 glasses ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे। वी शुड फिल्टर और बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। देखिए, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। हमें एटलीस्ट 8-10 glasses पानी डेली पीना चाहिए। हमें पानी फिल्टर करके या फिर बॉयल वाटर करके पीना चाहिए। मील्स इन अ डे। अ मील इज अ फूड वी ईट एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। वी ईट 3 meals इन अ डे। मील वो फूड होता है हम जो दिन में फिक्स टाइम पे खाते हैं, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और फिर डिनर। ये हमारा मील होता है। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, वी हैव डिनर एट नाइट। ओके, ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में करते हैं, लंच आफ्टरनून में करते हैं और नाइट में हम डिनर करते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सॉल्ट इज द ओनली फूड दैट वी गेट नाइदर फ्रॉम प्लांट्स नॉर फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट इट फ्रॉम सी वाटर। ओके, सॉल्ट इकलौता ऐसा फूड है जो कि हमें ना तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है। सॉल्ट हमें मिलता है सी वाटर से। एक्टिविटी 2। Write the names of the meals and any 2 food items that you eat in them in morning, in afternoon, at night. ये आप खुद से करेंगे। Good eating habits. Wash your hands with soap before and after eating food. Eat fresh, clean and healthy food. Some food like finger chips, pizzas and burgers are not healthy. Do not eat them even often. Eat with your mouth closed. Never eat in a hurry. Chew your food properly. Do not watch television while eating. Do not laugh or talk while eating. Eat lots of fruits and vegetables. देखिए, good habits कौन कौन सी होती है eating की? अपना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको hands wash करने चाहिए। Fresh, clean और healthy food खाना चाहिए। Finger chips, pizzas, burgers, ये सारा food जो होता है ये unhealthy food होता है, ये नहीं खाना चाहिए। माउथ बंद करके खाना चाहिए, खोल के नहीं। ज़्यादा जल्दी जल्दी में नहीं खाना है, आपको आराम से बैठ के खाने को अच्छे से चबा के खाना है। टीवी नहीं देखना है खाते वक्त, बातें या फिर हंसना नहीं है खाते वक्त। हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। लाइफ स्किल्स। ईटिंग लॉट्स ऑफ कैरेट्स इम्प्रूव्स आईसाइट्स। वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली प्रिवेंट्स डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग। ओके, देखिए, गाजर ज़्यादा खाने से आपकी जो आईज हैं वो डिजीज से दूर रहती हैं। हैंड्स वॉश करने से आप डिजीज से दूर रहते हैं। रीड एट अ ग्लैंस। फूड हेल्प अस टू लिव एंड ग्रो। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड।
Breakfast, lunch, dinner are the three meals of the day. We should follow good eating habits to stay healthy. Key terms to know. Food that we eat at a fixed time every day. Healthy food. Food that makes our body healthy and strong. तो बच्चों, I hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.